एक सवाल हम सभी लड़कों के मन में ना चलता रहता है कि जो लड़कियां होती हैं ये हम लड़कों में क्या देखती हैं। जब भी फर्स्ट टाइम किसी लड़के को लड़कियां देखती हैं तो क्या क्या चीज़ें नोटिस करती हैं। ये हमारे मन में ख्याल इसलिए आता है क्योंकि एक तो क्यूरोसिटी होती है कि जैसे हम लड़के लड़कियों के कुछ वैसी चीज़ें देखते हैं, आप समझ रहे हैं, ऐसे लड़कियां हम लड़कों में क्या देखती हैं ताकि हम वो चीज़ अपने आप में इम्प्रूव कर पाएँ, सो दैट कि हम लड़कियों को इम्प्रेस कर पाएँ या जिस लड़की को हम पटाना चाहते हैं हम उसको पटा पाएँ और गर्लफ्रेंड बना सकें। आपके मन में भी चल रहा है ना, चलो मैं बताता हूँ। प्रायोरिटी वाइज बताता रहूँगा, सबसे पहले देख के सबसे पहले क्या देखती हैं, फिर दूसरे नंबर, फिर तीसरे नंबर पे, ऐसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुछ मेरी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है। सबसे पहले लड़कियाँ देखती हैं कि तुम कितने अट्रैक्टिव हो। अब जैसे ही मैंने अट्रैक्टिव वर्ड का यूज़ किया तो बहुत लोग निराश हो गए होंगे कि यार मैं तो अट्रैक्टिव हूँ ही नहीं। या अब एक और सवाल आपके मन में आ सकता है कि भला अट्रैक्टिव मतलब क्या होता है। देखो, अट्रैक्टिव मतलब होता है कि आप कितने ज़्यादा आकर्षित लग रहे हो, आप कितने ज़्यादा उसके ऊपर खींचे चले जा रहे हो, कितना ज़्यादा वो प्यारा, कितना सेक्सी, कितना हॉट, कितना क्यूट लग रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत गोरे हो तभी आप अट्रैक्टिव लगे, ज़रूरी नहीं है कि आपकी हाइट लंबी चौड़ी हो तभी आप अट्रैक्टिव लगे, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके बाल अच्छे हों, आईज अच्छी हों, लिप्स सब अच्छा हो तभी आप अट्रैक्टिव लगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कुछ लड़कियाँ ऐसी देखी होंगी जो कि इतनी अच्छी, मतलब कहना नहीं चाहिए लेकिन हो सकता है कि वो इतनी अच्छी ना हो मगर बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ लड़कियाँ होती हैं जो कि थोड़ी सांवली होती हैं, कुछ लड़कियाँ थोड़ी हेल्दी होती हैं, किसी की हाइट छोटी होती है, कुछ इतना कुछ खास नहीं होती लेकिन अट्रैक्टिव बहुत लगती हैं। आई होप तुम कनेक्ट कर पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो कि बहुत खूबसूरत तो होती हैं लेकिन इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती, जिनको देखकर हम कहते हैं कि यार ये ना बन ठन के नहीं रहती, अगर इसको कपड़े पहनने का तरीका पता लग जाए ना भाई मस्त लगेगी, लेकिन इतनी कुछ खास नहीं है। दूसरी ओर एक लड़की होती है जो कि इतनी कुछ ब्यूटीफुल नहीं होती मगर अट्रैक्टिव बहुत होती है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ब्यूटीफुल तो लड़कियों के लिए होता है कि आप गोरे चिट्टे रहें, ये रहें, वो ऐसा नहीं, अट्रैक्टिव बनो। और अट्रैक्शन लाने के लिए बहुत हद तक ज़रूरत पड़ती है पैसों की। तुम्हारे पास पैसा है तो तुम अपने आप अट्रैक्टिव लगने लग जाते हो मेरे भाई, और अगर पैसा नहीं है तो तुम कुछ भी कर लो अट्रैक्टिव नहीं लगोगे, है ना। जब लड़की देखती है ना कि भाई ब्रांडेड टी शर्ट पहन रखी है बंदे ने, अपने आप अट्रैक्शन आ जाता है। ऑल दो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि ब्रांड्स में जीना शुरू कर दो, ये जस्ट एक थॉट आपको देने के लिए कि लड़कियाँ थोड़ी सी समझ लो ना कैसी हो जाती है इन चीज़ों में, तो अट्रैक्शन ऐसे ही बिल्ड होता है। बस कहने का मतलब ये कि ये मत सोचो कि अट्रैक्शन लोग पैदाइशी लेकर घूम रहे होते हैं, कुछ हद तक आ सकता है मगर अट्रैक्शन बहुत हद तक डिपेंड करता है तुम पे कि कैसे तुम अपने आप को बन ठन के दिखा रहे हो, कितना जैसे भी तुम हो उसमें बेस्ट कैसे लग रहे हो। बस अगर तुम अपने आप को प्रेजेंटेबल बना सकते हो, अगर अपने आप में अपने आप को बेस्ट बना सकते हो तो लड़की आपकी तरफ अट्रैक्शन ज़रूर फील करेगी और अपने आप तुम्हारी ओर खींची चली आएगी। दूसरी ओर अगर मैं आपको बात बताऊं तो लड़कियां देखती हैं कि लड़का कितनी अच्छी तरीके से बात कर रहा है। मेरे साथ बहुत होता है कि कुछ लड़कियां मैं देखता हूं ना, ताड़ते तो हम हैं ही लड़के, हैं ना, लड़कियां मैं देखता हूं भाई कुछ तो इतनी खूबसूरत होती हैं, भाई इतनी खूबसूरत कि माँ कसम तुम पिघल जाओ भाई साहब, लेट जाओ जमीन में भाई, तुम कुछ करने लग जाओ भाई, वो लड़की इतनी खूबसूरत। लेकिन जैसे ही मुँह खोलती हैं भाई हग देती हैं भाई, बात करने का लहजा ही नहीं है कुछ, मतलब क्या, या तो बहुत एक्सेंट मारना चालू कर देती हैं, इंग्लिश आती नहीं तब भी अंग्रेजी बकती हैं, है ना, फेक एक्सेंट, फेक उनका कुछ भी चल रहा होता है तो मज़ा नहीं आता, समझ रहे हो। और यही चीज़ लड़कियां भी नोटिस करती हैं, आप कितने ही अट्रैक्टिव क्यों ना हो अगर आप बात अच्छे से नहीं कर रहे हो तो लड़की आपकी तरफ और ज़्यादा नहीं खिंचेगी। फर्स्ट अट्रैक्शन में मान लेता हूँ कि ठीक है लुक्स अच्छे हैं मगर फिर बात आगे नहीं बन पाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो ज़रूरी है कि आप बात अच्छे से करें। अब मेरे को देखो तुम, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ बट मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ आप देख रहे हो कि किस तरीके से मैं उतार चढ़ाव ला के बता रहा हूँ। मैं ये चीज़ ऐसे भी तो कह सकता था जैसे मैं अभी कह रहा हूँ कि लड़कियों को ये चीज़ पसंद होती है, लड़कियों को ऐसा करना अच्छा लगता है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा ना, लड़कियों को ये चीज़ पसंद होती है, देख रहे हो कैसे बोल रहा हूँ भाई। तो यही चीज़ तुम्हें भी ट्राई करनी है, रातों रात मेरे पास नहीं आई है कि ऐसा बोलना चालू कर दूंगा, मेरे को धीरे धीरे सीखने को मिला है ना, ऑब्जर्व करके मिला है। तो कुछ चीज़ें भाई सीखते रहो, जो भी यूट्यूबर्स को तुम देखते हो भाई उनके बोल चाल पे देखो कैसे वो यूज़ कर
रहे हैं कहाँ, ठीक है। फेक एक्सेंट मत लेकर आओ, किसी को कॉपी मत करो, यू नो आई जस्ट वॉन्ट टू डू दिस एंड आई एम लाइक ये एंड वो, इस सबसे कुछ नहीं होता भाई। अंग्रेजी नहीं आती है तो भाई कहीं और जाके बोलो, वहाँ पर मत बोलो जहाँ पर तुम जज हो, जज्ड हो जाओ, समझो मेरे भाई। अंग्रेजी आती है तो अच्छे से बोलो, और नहीं आती तो वो हर जगह बकने की ज़रूरत नहीं है, फेक बनने की ज़रूरत नहीं है। बात अच्छे से करो, लहजे में करो, ज़्यादा कुछ फालतू भी मत बोलो, अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंटली दिखाओ कि हाँ तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है। ज़्यादा ब्रैग भी मत करो कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें अभी इस पर आएंगे, कैसे समझाता हूँ। थर्ड पॉइंट जो कि लड़कियाँ देखती हैं बात करने के बाद, थर्ड चीज़ होती है कि तुम्हारे पास क्या क्या टैलेंट है। भाई लड़कों के पास टैलेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है। टैलेंट नहीं है ना आपके पास तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते भाई, है ना, लड़की के मामले में नहीं। अब टैलेंट कैसे कैसे हो सकता है मैं तुम्हें बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल कुछ लड़के होते हैं जो कि बहुत अच्छा डांस करते हैं, है ना। वैसे तो टैलेंट सभी कुछ होता है, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होना वो भी एक टैलेंट है, मगर वो थोड़ा प्रोफेशनल वे में आ जाता है। अगर हम जब और घुलने मिलने लग जाते हैं तो कैसे टैलेंट का यूज़ होता है, जैसे आप बहुत अच्छा डांस करते हो, ठीक है, लड़की आपका डांस देखेगी बेशक भाई वो फिदा हो ही जाएगी। आप बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं तो लड़की बेशक फिदा हो ही जाएगी। आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, स्केटिंग करते हैं, अगर आप कुछ भी करते हो, एक्स वाई जेड आपके पास कोई भी टैलेंट है, आप ड्राइंग करते हो, स्केचिंग करते हो, आपके पास कोई भी टैलेंट है, लड़की उसके लिए भाई आप पे बहुत ज़्यादा वो करने वाली है, अट्रैक्शन फील करने वाली है। और ये चीज़ आपको दिखाना है मगर दिखाना नहीं है। कुछ लड़कों की आदत होती है कि बकने लग जाते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये इतनी इफेक्टिव नहीं होती। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब कोई इंसान खुद की तारीफ करता है तो वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता है हमारे ऊपर, लेकिन जब वो कुछ बोलता नहीं और हमें खुद पता लगता है, हम बोलते हैं ना अबे तूने ये कर दिया, तूने बताया नहीं कभी, भाई तू इतना सही मतलब क्रिकेट खेलता है, तूने बताया नहीं कभी, समझ रहे हो। तो जब कोई चीज़ अनप्लैंड आती है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो अपनी चीज़ को ब्रैग मत करो, कोशिश करो कि जो आपके अंदर चीज़ें हैं वो सही टाइम के साथ है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग अच्छी नहीं होगी तो बात नहीं बनेगी। टाइमिंग से पहले भी नहीं मतलब शॉट मारना है और बाद में भी नहीं मारना है, दोनों ही केस में नुकसान तुम्हारा होगा। तो टैलेंट लेकर आओ, टैलेंट तुम्हारे पास कुछ भी हो सकता है, नहीं है तो भाई थोड़ा क्रिएटिव बनो, आर्ट वार्ट ये सब थोड़ा सीखते रहो, है ना। पैसा अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है, ज़िंदगी अपनी जगह है, मस्ती अपनी जगह है, कुछ ना कुछ सीखना ज़रूरी हो जाता है। और नंबर 4 जो कि बहुत लास्ट में आता है, जो कि लड़कियाँ बोलती रहती है ना कि हम लड़कों का दिल देखती हैं, हम लड़कों के पैसे को थोड़ी देखते हैं, हमें शक्ल से मतलब नहीं, अजी मेरा घंटा, समझ रहे हो। लड़कियाँ भाई पहले यही चीज़ें देखती हैं, सबसे पहले देखती हैं कि तुम कितने अट्रैक्टिव हो, अर्थात तुम्हारे पास पैसा वैसा कितना है। दूसरे नंबर पर देखती हैं कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं। थर्ड नंबर पर देखती हैं कि तुम्हारे पास टैलेंट कितना अच्छा है। लास्ट में आता है कि तुम कितने अच्छे लविंग हो, कितने वो क्या बोलते हैं सपोर्टिंग हो, कितने हेल्पिंग नेचर के हो, है ना, कितने केयरिंग हो, है ना। बस ये फिर लास्ट में लड़कियां देखती हैं, और ये लास्ट पॉइंट होता है जहां पर लड़की अगर इस चीज़ को देख लेती है कि तुम्हारे पास है तो लड़की आपके लिए बेशक फिदा हो जाएगी, है ना। थोड़ा केयर करना ज़रूरी है, क्या कर रही हो, क्या क्या कर रही थी, आज थोड़ी उदास लग रही हो, कोई बात हो गई क्या, बता सकती हो अगर तुम चाहो तो, नहीं बता रही तो फिर छोड़ दो, है ना। ऐसे में धीरे धीरे चीज़ें लेकर चलो। केयर ऐसा भी मत दिखाओ कि तुम ओवर केयरिंग कर रहे हो, ये क्यों कर रही हो, वो क्यों कर रही हो, ऐसा भी नहीं, है ना। तो उसकी हेल्प कर लो, कभी कभी प्यार दिखा लो, कभी कभी तारीफ़ कर दो, तारीफ़ भी अच्छी वाली तारीफ़ करो, घटिया घटिया तारीफ़ मत करो। वो जो तारीफ़ें होती हैं उसका भी एक वक्त होता है, जब वक्त बने तो वैसी तारीफ़ करो। ऑल इन ऑल सही टाइम पे चीज़ें करोगे, जो ये 4 चीज़ें बता रहा हूँ, तो भाई कोई भी लड़की आपके लिए फिदा हो जाएगी। सवाल उठता है कि क्या ज़रूरी है, क्या 100% श्योर हो तुम अर्पित की फिदा हो ही जाएंगी लड़की, तो आंसर है नहीं, नहीं मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं। कुछ लड़कियां हो सकती हैं जिनको सिर्फ अट्रैक्शन ही चाहिए हो कि लड़का दिखने में ही अच्छा होना चाहिए, उसी से प्यार करूँगी, उसी को बॉयफ्रेंड बनाऊँगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। लेकिन ओवरऑल अगर आप मेजॉरिटी केसेस में देखोगे तो लड़कियाँ इन 4 चीज़ों को ही देखती हैं। प्रेफरेंस अलग अलग हो सकता है, हमारे लिए भी कोई लड़की हमें चाहिए होती है कि मेरे को जैसे लंबी हाइट वाली लड़की चाहिए, है ना, तो थोड़ा अगर नहीं भी अच्छी है लेकिन हाइट अच्छी है तो मेरे को चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। मेरे को अच्छे बात करने वाली लड़की चाहिए, तो अगर दिखने में इतनी अच्छी नहीं है, बात अच्छे से करिए तो मेरे को चलेगा मेरे भाई। तो ऐसे सबका एक प्रेफरेंस हो जाता है, सबका एक एज हो जाता है ना। तो इस चीज़ को लेकर मत बैठना कि तूने ये कहा था वैसा हो गया, ऐसा चलता है। लेकिन मेन ये 4 चीज़ें होती हैं, इन 4 चीज़ों पर वर्क करो भाई साहब, फाड़ दोगे। अगर चाहते हो कि इन 4 चीज़ों पर मैं
आपको बताऊं कैसे इम्प्रूव करना है, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा अर्ज होगा कि हाँ ठीक है वीडियो बनाते हैं ना, मुझे भी अच्छा लगे। और अगर नहीं करोगे तो फिर मैं रूठ जाऊँगा यार, ऐसी थोड़ी बात बनती है। यहाँ तक वीडियो देखो तब भी लाइक नहीं करो, क्या चाहते हो ज़िंदगी से।